हालचाल दोस्तों, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया ना? बढ़िया ही रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज हम लोग जाने वाले हैं तिथल बीच। मतलब वहाँ पे दो तीन मंदिर भी है, शायद शंकर भगवान की मंदिर है और कोई कोई मंदिर है, दो या तीन मंदिर वहाँ पे है और बीच भी है वहाँ पे। तो मतलब आज फुल फन होने वाला है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के दो, और मेरे को आज ज्वाइन करने वाले हैं गणेश भाई। उनसे बात हो गई है, अभी उनको जाना रिसीव करने और वो मेरे को ज्वाइन करके फिर हमारे साथ चलेंगे। जो हमारे भूतिया बंगलोज में जो कैमरामैन थे, वही गणेश भाई आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस ट्रिप को। तो बने रहिए और वीडियो एंड तक देखना। देखते हो यार, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ ये चीज़ कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है दिल से। इतना मेहनत करके, इतना ट्रैवल करके, इतना मतलब बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मतलब होता नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं और लाइक्स नहीं आते हैं, तो फिर दिल थोड़ा सा दुखने लगता है यार। तो कृपया करके शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। तो अभी आपको मिलते हैं, ठीक है, रोड पे, और दिखाते हैं कैसा कैसा मौज आएगा। और आज मैं जाने वाला हूँ कुर्ता पहन के, क्योंकि जा रहा हूँ आज मंदिर और बहुत दिन हो गए इसको लिए यार, पहन नहीं रहा हूँ। जॉब के सिलसिले में पहनना ही नहीं होता है और ऐसे जो भी है, आज भाई अपना पहन के जाएगा कुर्ता पैजामा काला, ये नीला है। कोई बात नहीं, तो चलो आपको मिलते हैं डायरेक्ट रोड पे। ऑल राइट। तो अभी निकलते हैं भैया जी। अरे भैया, न्यूट्रल में कब होएगा तू? हो गया न्यूट्रल में। तो अभी निकलते हैं गणेश भाई को लेने के लिए, ठीक है। चलो गणपति बप्पा मौर्य। मिलना जरूरी है। चलो गणपति बप्पा मौर्य। चलो चलते हैं, पहले गणेश भाई को लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ओके, तो अभी बज रहे हैं 2:15 अभी हो रहे हैं करंटली, और हम लोग ऑन द वे हो चुके हैं तिथल बीच जाने के लिए। देखते हैं आगे का क्या कैसा सीन रहता है, कुछ पता नहीं है, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। और ये सूरत से आई थिंक 90 किलोमीटर दूर है, मतलब 86 दिखा रहा है मैप में, लेकिन 90 किलोमीटर मान के चलते हैं हम। गूगल मैप पे तो कभी कभी कम भी दिखाता है, कभी कभी ज़्यादा भी, मतलब वो तो 90 किलोमीटर तो लगभग हो ही जाएगा जिस हिसाब से हम लोग जाएंगे आएंगे जो भी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि वहाँ का क्या सीन रहता है, वहाँ पे जाना अलाउ है कि नहीं। कि वैसे भी आज वैलेंटाइन है तो सभी को वैलेंटाइन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, और जो सिंगल है उनके लिए भी वैलेंटाइन की हार्दिक शुभकामनाएं, मिंगल प्रयास कर ही रहे हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। वहाँ पे भी तो कुछ लोग मचाया नहीं है या फिर बीच को बंद तो नहीं रखा है, क्या है कैसा है सारा का सारा सीन देखते हैं वहाँ का। बाकी मंदिर तो खुला ही होगा, भले कुछ भी हो लेकिन मंदिर तो खुला होगा, तो मंदिर के दर्शन कराएंगे। इसीलिए आज मैं कुर्ते पजामा नीला नीला पहन कर आया हूँ भाई। हाँ, ओए यार, ठीक है, इसीलिए कुर्ता वुर्ता पहन के आए हैं। कभी मंदिर के ज़्यादातर मतलब मंदिर का ही सोच के मैं आया हूँ कि पहले मंदिर जा कर आएंगे, ठीक है। बाकी तो वैसे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अंकल कहाँ बेच रहे हो? अंकल भी मौज कर रहे हैं। तो फाइनली अभी अपने मतलब सूरत सिटी को छोड़ के मतलब आ गए हैं हाईवे की तरफ। अभी करंटली हाईवे को टच कर चुके हैं, अब हाईवे से निकलेंगे सन करके भाई, फन करके, और एकदम मक्खन जैसी गाड़ी भी चल रही है अभी फिलहाल के लिए।
जो भी होगा आगे देखा जाएगा कैसा है कैसा नहीं है, क्या करना है, किस लिए करना है, कुछ पता नहीं है, बस निकल पड़े हैं ऐश करने के लिए, यही समझ लो। तो भैया बहुत ज्यादा ब्रेकर बना रखा है यहाँ पे यार। अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं, ठीक है, यहाँ पे रुके हैं, प्यास व्यास लगी थी, थोड़ा पानी वगैरह पी लें, या फिर यहाँ पे लेमन फ्लेवर का कुछ क्या है, ये रोटी वगैरह मंगाया है लेमन फ्लेवर में, ये पीते हैं, उसके बाद फिर आगे की जर्नी करते हैं कंप्लीट। बस अभी बचा है 20 किलो, मतलब 20 मिनट का रास्ता और बचा है। प्यास लग गई थी यार, प्यास के मारे गला भी सूखा जा रहा है। ओके गाइस, तो जो लेना था ले चुके, जो खाना था खा चुके, और टाइम लैप्स लेना था टाइम लैप्स भी ले लिए, और जो गाड़ी की इंजन है इतनी ज़्यादा हीट हो गई है ना, इतनी ज़्यादा हीट हो गई है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उस पर अभी कच्ची रोटी रख दूँ ना, कच्ची रोटी, तो वो भी पक जाएगी, मतलब खाने लायक हो जाएगी, इतना ज़्यादा गर्म है इंजन, क्योंकि कंटिन्यू 80 किलोमीटर चलाएं गाड़ी को। अभी देखते हैं, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता बाकी है, पहुँच जाएंगे हम अपने डेस्टिनेशन पे, और अभी बज गए हैं 4, शाम के बज गए हैं 4, और वहाँ पे पहुँचने में मतलब 4:30 हमको बच जाएंगे टोटली, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे और उसके बाद वापस से रिटर्न आएंगे सूरत के लिए। देखते हैं अभी कितने टाइम लगता है हमको जाने में, और रिटर्न घर पे कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। मैंने तो सोच के चला है कि 10 बजे रात तक तो पहुँच ही जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। नाइट में वैसे भी गाड़ी स्लो चलानी पड़ेगी, हाईवे पर बहुत ज़्यादा वो होता है, बस ट्रक और बस इतनी ज़्यादा चलती है ना नाइट में, इतनी ज़्यादा चलती है कि तुम यार एक चीज़ मुझे बताना कि ये जो ट्रक हाईवे पे चलती हैं इतनी सारी, सूरत में तो बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा चलती है, तो क्या हर एक स्टेट में ऐसी चलती हैं, हर एक स्टेट में ऐसी चलती हैं कि सिर्फ यहाँ गुजरात में ही ऐसे इतनी सारी बसें मतलब चलती हैं? मेरे को कमेंट करके नीचे बताना ज़रूर, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और हमारी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, और सामने हमारे तिथल बीच है यार, बहुत प्यारा, और इतनी पब्लिक है ना कि देख के मज़ा ही आ जाएगा पूरा का पूरा। और हमारे साथ अभी गणेश भाई हैं, हमारे कैमरामैन, शूटर, जो भी बोलो, एकदम बढ़िया बेहतरीन वीडियो शूट करते हैं ये। अगर किसी को ज़रूरत है तो भाई को कांटेक्ट करना। इनकी फ़ीस मतलब एक वीडियो शूट करने का 5,000 से 7,000 रुपये लगेगा, ठीक है, और उसमें ये 2 से 3 दिन शूट करेंगे। बाकी अगर किसी को चाहिए तो इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं इनको बोल दूंगा आपके इधर चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी चलते हैं बीच के साइड और थोड़ा मूत्र विसर्जन का कुछ सिस्टम देखते हैं कहाँ पे है क्या है।
क्या सिस्टम है, ठीक है। बाकी तो मौज करना ही है।